ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चे ओंकाराय नमो नमः। आचार्य श्री मास्टर मंडल जी के पावन चरणों में कोटि से वंदन। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, परम पावन गुरुदेव का 50वां दीक्षा महोत्सव न केवल जालना में तो गुरुदेव स्वयं विराजमान है, पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम एक ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे ऐसे भाई लोग जो खेती भी करते हैं और किसान लोग हैं और इनमें पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं, तो आज इनकी ड्रेस से भी आपको मालूम पड़ा गया कैसे राजस्थानी पगड़ी, राजस्थानी साफा और इसमें किस तरह हम लोग अभी ध्यान का एक प्रयोग करवाएंगे। तो पहले एक मुद्रा लगाएं, पहली उंगली का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, ये तो मारवाड़ी में बोल रहा हूँ मैं, अंगूठो और पहली उंगली को अग्रभाग मिलाओ, तो ये हाथ ने घुटने का ऊपर रखो, हाथ ऊपर ले लो, आँखें कोमलताओं बंद करो, तीन बार भंवरा की तरह गुंजार करना है, सांस भरो। श्वास एक बार और, अब आप सबने खाली हुन्नो है और मैं बोलो जिस तरह करना है, पूरे शरीर को ढीला ढीलो छोड़ दो, एकदम लूज छोड़ दो, शरीर में एक कदम पाते शरीर में अकड़न नहीं रहे, तनाव नहीं रहे। मंदिर में भगवान की प्रतिमा जिस तरह अडोल बस्ती रहे जिस तरह आप बैठ जाओ, सब हलन चलन बिल्कुल नहीं करना है आपने, शरीर ने ढीलो छोड़ दो, सुझाव दो पूरा शरीर एकदम लूज हो जावे, अनुभव करो पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है, थोड़ी देर के लिए शरीर ने भूल जाओ, अनुभव करो पूरा शरीर, पैर का अंगूठा ले सिर तक एकदम ढीलो रह गया है, पूरा शरीर में ढीलापन को अनुभव करो, धीरे धीरे लंबो लंबो श्वास लो, धीरे धीरे लंबो लंबो श्वास छोड़ो, श्वास की गति ने मंद कर दो, पहली बार श्वास लेवा में जतरो टाइम लागे, हर श्वास लेवा में बत्रीस टाइम लागे, फिर पांच की घंटी में श्वास भरो, पांच की घंटी में श्वास छोड़ो, श्वास भरो एक दो तीन चार पांच, श्वास छोड़ो एक दो तीन चार पांच, बत्रीस टाइम श्वास लेता रहो, मांस देता टाइम पेट की मांसपेशियां फूले हैं और छोड़ता तुम्हें सिकुड़े हैं, चित्त ने ना नूठी नाभि पे केंद्रित कर दो और पेट की मांसपेशियां ने फूलवा और सिकुड़वा को अनुभव करो, कोई विचार आवे तो आवा दो, रोको मत, खाली देखो, माने संभाव देखो, पूरी जागरूकताओं लंबा श्वास को प्रयोग करो,
धीरे धीरे लंबो गहरो सांस लेता लगा, पूरी जागरूकता इस सांस रो प्रयोग करो। अब चित्त जो नाभि पे ठहरियो लगो है, ध्यान लगाओ। आप देखो खुद सांस लेता समय पेट की मांसपेशियां फूल रही है, छोड़ रहे हो तो सिकुड़ रही है। अब जितने नाभियों हटे दोनों नथुना नादरा मतलब बीच में जो संधि स्थल है वटे ले जाओ, बटे चित्त ने केंद्रित करो। हर श्वास ने जानता लगा लो, जानता लगा छोड़ो। बिना जानकारी के कहीं भी श्वास मत लो नहीं छोड़ो। आप मन चित पूरो श्वास देखा में लगी दो और कई बार दी आवाज वगैरह कहीं आपने प्रभावित नहीं करे। कल एक ध्यान रखो, 5 की घंटे में श्वास लेनो है और 5 की घंटे में श्वास छोड़नो है। वैसे आप ही सब लोग 1 मिनट में 15-17 श्वास लेवा हाँ, लेकिन यानी वो प्रयोग करवा 1 मिनट में 6 श्वास भी जावे। श्वास जतरो लंबो हुए बतरो अच्छो है, स्वास्थ्य भी अच्छो रहे, दूसरा विचार नहीं आवे, टेंशन नहीं आवे, आत्मविश्वास वधे। बस थोड़ी देर चालवा दो, बस थोड़ा समय और बाकी है। पूरी स्थिरता बनाई रखो, हलन चलन मत करो। श्वास के प्रति जागरूक है, वो पूरी जानकारी ले। नाक का अगेरा भाग पे चित्र ने ले जाओ और देखो श्वास अंदर जा रियो है, पेट फूल रियो है, बाढ़ने आ रियो है, पेट सिकुड़ रियो है। अबे चित्त ने ललाट का वच में ले जाओ, ज्योति के अंदर ललाट का बीचरा भाग में चित्त ने ले जाओ। वठे पूर्णिमा का चांद की तरह चमक तो लोगो, सफेद रंग रो ध्यान करो। आप लोग पूर्णिमा का चांद ने वठे देखो ललाट का वच में। अबे अनुभव करो पूरी ललाट चित्त ने फैले दो और सफेद रंग को ध्यान करो। अनुभव करो चमकता लगा श्वेत रंग का परमाणु ललाट का अंदर धैर्या है, पूरी ललाट श्वेत रंग का परमाणु भर रही है। अनुभव करो पूरी ललाट सफेद रंग का परमाणु भर गई है। शांति और आनंद को अनुभव करो, शांति और आनंद को अनुभव करो। तुम अकेले आंखा पे रखो, हल्का स्पर्श मालिश करो। ध्यान को प्रयोग संपन्न। एक छोटो सा आपने ध्यान को प्रयोग करायो, श्वास किस तरह लेनो, जो श्वास अपनो बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा चाल तो रहे। अपनो मन नहीं वे तो ही चले और मन वे तो ही ना लंबो कर सको तो अच्छो प्रयोग है। टीका करो आपने आदि बीमारियां दूर रही, धीरे धीरे लंबो श्वास लो लंबो छोड़ो तो आदि बीमारियां बन रही। और आज आचार्य जी महाराज पंडित जी को 50वां दीक्षा दिवस है और दीक्षा लेना 50 साल रह गया है। तो एक सहज रूप में एक छोटो प्रयोग आपने बतायो, रोज कर जियो। और नारायण जी आपने किस तरह लगे प्रयोग, बहुत बढ़िया लगा। परिवार की ओर से आपको सिखाया है, होगा तो आगे के लिए हम कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलो रोशन जी, कक्षा ने बहुत समझदारी की बात की है और सीखने को मिला है। कक्षा को धन्यवाद।